स्वागत है फ्रेंड्स मेरी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में एक सिक्योरिटी अलार्म सर्किट बनाएंगे। इसे बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं एक MDF बोर्ड का, जो कि नॉर्मल सा एक बोर्ड है। इसके ऊपर मैं पूरा सर्किट बनाऊंगा और इसके बाद एक रिसीवर का, ये भी एक रिसीवर है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगा या फिर आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा मैं एक इसमें ग्लू गन का यूज़ करके मैं इसको अच्छे से चिपका दूँगा। पहले यहाँ पर तरीके से मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक और चीज़ चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो इसमें अलावा हम लेंगे एक बजर, जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे आपको मिल जाएगा, और इसे हम चिपका देंगे। आप इसके छोटा बजर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यही साइज़ का बजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये होने के बाद इसमें से दो वायर निकलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके बाद हम लेंगे एक बैटरी, आप 9 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल 9 वोल्ट की बैटरी आती है, या फिर आप 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों में ही चल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें भी दो वायर हैं पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी में, इसकी कनेक्शन में ईजिली अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखिए जो पॉजिटिव बजर का है और पॉजिटिव बैटरी का हम एक कनेक्शन जोड़ देंगे, और दोनों नेगेटिव हमारे अभी बचे हैं तो हम इसको अभी रखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा लेंगे एक LED ग्रीन कलर के लिए मैंने, और इसमें दो वायर जोड़ लिए हैं। पॉजिटिव का जो वायर है वो हम डायरेक्ट पॉजिटिव में जोड़ देंगे, बैटरी का पॉजिटिव और बजर का पॉजिटिव में। तो आप LED लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। तो इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें हमें यहाँ इस मॉड्यूल में कनेक्शन करने हैं। तो इसके सिंपल से कनेक्शन है, जो कि हमारे पॉजिटिव हमने जोड़े थे, इसकी फर्स्ट लेग पे हम इसको इस तरीके से शोल्ड कर देंगे, और वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा देखते साथ ही। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे दो वायर बचे हैं नेगेटिव के, और एक LED का भी नेगेटिव बचा है। तो हम जो बैटरी का नेगेटिव है वो लेंगे और वो हम जोड़ेंगे यहाँ पर सेकेंड वाली पिन पर। तो फ्रेंड्स वीडियो में ईजिली आपको दिख रहा होगा, तो ये सेकंड वाली पिन पे मैंने अच्छे से शोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब बचे हमारे पास दो वायर, जो कि एक LED नेगेटिव है और एक बजर का नेगेटिव। तो कनेक्शन आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स, वैसे मैंने अच्छे स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। और इन दोनों को वायर को मैं पहले आपस में जोड़ लूँगा, नेगेटिव दोनों नेगेटिव, और इन दोनों को डायरेक्ट मैं लास्ट वाली पिन पर शोल्ड कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे इसमें अच्छे से शोल्ड हो चुके हैं। तो ये सर्किट हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो LED है हम इसको भी यहाँ पर अच्छे से चिपका देंगे। तो मैंने आपको बताया था LED आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो इसके अलावा मैं लगा देता हूँ इसमें LED, यहाँ पर चिपका दूँगा अच्छे से। तो ये हमारा सर्किट बन के कम्प्लीट हो चुका है, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले ये सिक्योरिटी अलार्म देख सकते हैं, इस तरीके से हमारा एक काम करेगा। तो ये ऐसे मतलब इसके सामने कुछ भी जो चीज़ आएगा तो ये एक आवाज़ बजर के तौर पे कर देगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, इसको आप दरवाजे के तरफ लगा सकते हैं या फिर है ना कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ कोई आए तो इससे आपको पता चल जाए। तो इसके सामने कुछ भी लाते हैं, ये एक रिसीवर की तरह है और ये अच्छे से काम करता है हमारा। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है ये। तो इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जो एक पॉइंट दिया है, इससे हम इसकी रेंज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी इतनी है, ये देखिए थोड़ी इससे आप रेंज बढ़ा सकते हैं, मतलब जैसे कि ये पास से हमारा काम कर रहा है, थोड़ा रेंज दूर करेंगे थोड़ा और दूर से करेगा, ऐसे थोड़ा और दूर से, इस तरीके से इसकी रेंज बढ़ जाएगी और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ये सिंपल साइंस प्रोजेक्ट है और अच्छा है, आप इसको बनाइए यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।